अच्छा मेरे ख्वाबों में जो आई, क्या अमेजिंग लुक था काजोल का। बट डू यू एक्चुअली नो कि डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने काजोल की स्कर्ट को सेट पर उसी टाइम कतर दिया था, यानी काट दिया था, बिकॉज द ओरिजिनल लेंथ उनको लगा कि बड़ी लॉन्ग है, अच्छी लगेगी नहीं। एंड वाकई में शी लुक टोटली OMG। वैसे OMG ये मेरा इंडिया का नया सीजन लेकर तो आ रहे हैं कृष्णा अभिषेक भी, तो चलिए इनसे हो जाए कुछ OMG टाइप सवाल जवाब। नाम विजय दीनाना चौहान, कटरीना या कश्मीरा? कटरीना, ओ सॉरी, गोवा या केरला? गोवा यार, हाँ वो मसाज की प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को। OMG कृष्णा, हाय, दिल्ली में आपने OMG कहा, तो मैं OMG की शूटिंग कर रहा हूँ। वैसे हमको पता है OMG की शूटिंग कर रहे हैं, हम नाटक कर रहे थे। ये हमारा वो खुद बोलते हैं ना, वो शॉक वैल्यू थोड़ा सा कैमरे के लिए हम लोग करते हैं, कैमरे के लिए हम लोग कर रहे थे, क्योंकि कृष्णा है तो नॉर्मल स्टार्ट तो हो नहीं सकती। अब ऐसा भाई, OMG ये मेरा इंडिया, कृष्णा इस शो को 7 सीजन से होस्ट कर रहे हैं, ये 8वां सीजन है। ये बताइए कि ये मेरा इंडिया, हाँ, तो इंडिया की जब बात करते हैं तो बड़ी सारी वैरायटीज हैं, तो मैं कुछ कुछ चॉइसेस आपको देता हूँ कि भैया क्या चूज करेंगे, गोवा या केरला? गोवा यार, गोवा, डेफिनेटली गोवा। और किसके साथ जाएं? ऐसे मैं खुल के नहीं बता दी, हम कश्मीरा नहीं, कश्मीरा और बच्चों के साथ जाएंगे, कश्मीरा और बच्चे के साथ जाएंगे, ठीक है, वो मैं बाद में इनसे पूछूंगा कि असल में किसके साथ जाएंगे। अच्छा, चाय या लस्सी? लस्सी, चाय मैं बिल्कुल नहीं पीता। लस्सी लस्सी। कटरीना या कश्मीरा? कटरीना, ओ सॉरी, वो कहना इंस्टेंट निकलता है ना, क्या करेंगे। अरे कटरीना बड़ी स्वीट है, मैं बड़ा काम किया उनके साथ, मतलब अपने शोज में कई बार गेस्ट आ चुकी हैं, कॉमेडी सर्कस से आती हैं कटरीना, बिल्कुल, शी इज अ वंडरफुल पर्सन एंड आई विश हर ऑल लक। वो जितनी खूबसूरत हैं, लोग उनके जितने फैंस हैं, आई थिंक उनका हार्ट भी उतना ही खूबसूरत है, शी इज अ वंडरफुल पर्सन। लोग तो पर्सनली जानते नहीं हैं उनको, हम जानते हैं क्योंकि हम काम करते हैं, तो मैं उनको ऑल लक विश करना चाहूँगा, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज। एंड शी, वो जैसे क्यूट हैं, स्वीट हैं, वो ऐसे ही स्माइल करती रहें और हमेशा खुश रहें। अच्छा, एक कॉलेज में आप, मैंने सुना था कि मतलब आपके इंटरव्यू में आपने बोला था आप मामा के कपड़े पहन के चले जाते, हाँ, थे, तो वो सुनाइए वो किस्सा। मेरे पास तो सारे कपड़े हैं, मैं तो एग्जीबिशन लगा सकता हूँ। मेरे पास हीरो नंबर 1 के एक गाना बड़ा हिट हुआ उनका, वो अखियों से गोली मारे, उसमें उन्होंने एक टी शर्ट पहनी है, उस पर बॉस लिखा हुआ, वो बड़ा पॉपुलर, येलो कलर की, येलो ब्लैक कलर की, वो मेरे पास पड़ी हुई है। तो ऐसे उनके बड़े कपड़े हैं जो वो, हम लोग घर पे डाका बोलते थे उसको, डाका मीन्स डाका डालते हैं ना जैसे, तो गोविंदा जी के बड़े कपड़े होते थे, तो वो सब महंगे महंगे होते थे, तो वो कहीं इधर उधर देते नहीं थे, तो वो हम लोगों को बांट देते थे कि कॉलेज जाता है वो पहन ले। तो ऐसे मैंने कई सारे कपड़े उनके कलेक्ट किए, और मैं कॉलेज में बड़ा पॉपुलर था, मीठे भाई कॉलेज से मैं हूँ बॉम्बे में, तो मैं उनके कपड़े पहन के जाता था, और उस टाइम पे उनके गाने हिट होते थे, तो जितनी लड़कियाँ होती थी वो हमेशा मेरी तरफ, मैं अट्रैक्ट करने के लिए एक्चुअली उनके कपड़े पहनता था। इसीलिए OMG लगातार जो शो के प्रोड्यूसर हैं वो दबाव बना रहे हैं कि शो की ब्रांडिंग इसमें होती है, तो हम OMG, क्योंकि कृष्णा की जो ओवरऑल लाइफ रही है वो OMG रही है, बहुत सारे OMG मोमेंट्स हैं। एक OMG मोमेंट ये था, अमिताभ बच्चन की आपने मिमिक्री की थी, फिर बच्चन साहब ने, आप छोटे थे, बच्चन साहब ने, आपने खुद बताया था, अरे वाह क्या बात है, बच्चन साहब ने कहा था हाँ भाई क्या, तो वो जो डायलॉग सुनाया था, तो वो तो बड़ा OMG डायलॉग है, तो सुनना चाहेंगे सब लोग भी, और क्या वो वाक्य हुआ था? वो एक्चुअली बच्चन साहब के यहाँ होली जो है वो बड़ी पॉपुलर है, अभी नहीं हुई वो काफी टाइम से, लेकिन पहले बड़ी पॉपुलर थी, जितने फिल्मी लोग, जितने हीरोज थे, वो सब होली पे जाते थे। तो एक दिन होली का दिन था, तो मामा ने गाड़ी में बैठ गए, मुझे बोलते हैं कि चलो कि बच्चन साहब के यहाँ जाना है होली खेलने, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया कि मैं बच्चन साहब को मिमिक करता था, तो मैं गया, तो हम लोग ऐसे खेल रहे थे, बच्चन साहब आए, तो मामा ने मिलाया, मेरा भांजा है, मैंने उनके पैर छुए, बोलता ये दिखता बड़ा सीधा है लेकिन ये आपकी मिमिक्री करता, और मैं घबरा गया, मैंने बोला मैं बच्चा ही था, तो बच्चन साहब ने ऐसे मेरे पे हाथ रखा, बोलते हैं अच्छा आप हमारी मिमिक्री करते हैं, अच्छा सुनाई कुछ, तो उस वक्त तो मेरे अंदर से ना निकली नहीं आवाज़, लेकिन मैं उनका वो अग्निपथ का डायलॉग बोलता था, वो गाँव मांडवा आए, नाम विजय दीनाना चौहान, बाप का नाम दीनाना चौहान गाँव मांडवा, बस ये मैंने उनको 3 लाइनें ही निकली थी उनके सामने, तो उन्होंने बोला हाँ यार बहुत बढ़िया करते हो,
मुझे पता नहीं था कि कल को हम लोग ऐसा कोई शो बनाएंगे बड़ा और उसमें हम लोग सब यही मिमिक्री या मस्ती करेंगे. आई डोंट नो दैट. आपको बड़ा, इनको सब पता है यार. ये एबीपी वाले पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे सब सामने से आ रहा है, मैं नहीं दे रहा हूँ. देना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी जर्नी बिल्कुल ओएमजी रही है और बहुत अच्छा लगा आपसे बात. थैंक यू सो वंडरफुल. मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं बड़े इंटरव्यूज देता हूँ बट आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट. थैंक यू सो मच. ABP News, आपको रखे आगे.